वृंदावन धाम से आप सभी लोगों को राधे राधे, वृंदावन धाम की जय। और आज है 11 फरवरी, हमारा आखिरी दिन है श्री वृंदावन धाम में। तो हम आज जा रहे हैं वृंदावन धाम की परिक्रमा करने, श्री जी की कृपा से दूसरी परिक्रमा है ये हमारी। वैसे कल तो ठंड बिल्कुल नहीं थी, शाम के समय कम हो गई थी, लेकिन अभी सुबह बढ़ गई। मैं सोची कि सुबह ठंड नहीं होगा तो आराम से बिना शॉल के जाऊंगी। बाबू बोला ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप शॉल लो और निकलो। अभी बाहर निकल रहा, हवा चल रही है, इतना ठंड है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब बज रहे हैं सुबह के 7:15 और हम जा रहे हैं परिक्रमा करने। और ये रहा मेरे फ़ोन की हालत, ये देखिए यहाँ पे आते ही मेरे फ़ोन टूट गए। ये एक और फ़ोन था वो भी टूट गया, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान जाने। और पीछे पीछे चलिए परिक्रमा करते हैं। हरि बोल हरी बोल। परिक्रमा हमने श्री जी की कृपा से स्टार्ट कर दिया है, पहले हमने प्रणाम किया और हम परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। हरि बोल। नाक ठंडी हो गई है मेरी, ऐसे धूल सफेद सफेद धुआं निकल रहा है मुझे, ऐसे नाक मेरा पानी आ रहा, बहुत ठंडा हो गया। लाल परिक्रमा मार्ग में हम जैसे ही आगे आते हैं, केली कुंज है ना, वहाँ से तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे इस्कॉन गौशाला है। जब भी आप आएँ श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा लगाएं तो गौ सेवा तो आप ज़रूर करें। आप चारा खिला सकते हैं, अगर आपके पास दान करने योग्य हैं आप तो आप दान भी कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है। हरि बोल। तो फाइनली पहुँच गए मेरे फेवरेट मंदिर श्री श्री राधा मदन मोहन। ये मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही सुंदर, परिक्रमा मार्ग में ही है। जब भी आप परिक्रमा लगाएं तो मंदिर में जाएं, सुबह सुबह दर्शन करें, बहुत ही आनंद आएगा। और बहुत ऊपर भी है ना, चोटी पे है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। मैं हर बार प्रयास करती हूँ श्री जी की कृपा से कि अगर नॉर्मल दिनों में नहीं आ पाती यहाँ पर तो परिक्रमा के दरमियान ज़रूर आती। और ये देखिए, और ठंडी का टाइम था, हम ठंडी में गए थे ना तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। तो इससे पहले भी श्री जी की कृपा से हम यहाँ पे आए हैं दर्शन करने, तो इस बार हम जो मंदिर के महाराज हैं उन्हीं से स्वयं जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में और हमारे ठाकुर जी के बारे में। प्रकट हो गए थे इनके साथ में, सामने में प्रभु करके संबोधित किया जाता है, सामने में। ऐसे आप चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो रचा बोलते ठीक है, चला चल शास्त्र में भी लिखा हुआ, लेकिन इनके सामने में आने के बाद में इनको एक तो माता परम माता पिता है, जाने के बाद इनके पास ही जाना है, वही बुलाएं जो जैसे कर्म प्रधान विश्वरीरा का जो जस करता सो तस पाता देते हैं। जिनके सामने में आने के बाद में ऐसे संबोधित किया जाए ताकि वो प्रिय बना माता पिता ठाकुर करके, भगवान करके या प्रभु करके, महाराज करके, ऐसे करके संबोधित सामने में न बोला जाता है न मुख, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में उस पर स्वयं प्रभु विराजमान हो जाते और भक्तों की कथा सुन, और यहाँ पर सबसे विराजमान है ही, ऐसे आप नहीं पीना कहने कि प्रभु उनको साथ में आ गए कि कहीं से उत्पन्न हुए तो ये माता जी के पास में प्रकट हो गए, स्नान करने के लिए गए वो प्रकट हुए, वही ले गए मथुरा। जितने प्रश्न किए उतना ही जवाब दे रहा हूँ, वही ले गए मथुरा में राधे राधे, और वहां से प्रभु मेरे माता पिता सनातन गोस्वामी जी के साथ में, सनातन गोस्वामी जी इनको पूरे व्यवस्था की, पूरे व्यवस्था करने के बाद में अपने लीला द्वारा मंदिर को स्वयं बनवाए और मंदिर बन गया तो परिवर्तन हो गए, यानी छाया को छोड़ के निराकार रूप से आभास कर रहे हैं। आप इतने प्रश्न किए नहीं, राधे राधे। सुबह सुबह वृंदावन इतना सुंदर लगता है ना, इतना आनंद आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठंडी का टाइम, भीड़ भी नहीं,
सुंदर सुंदर हवा चल रही है, हल्की हल्की ठंड है, और ये हम पहुंच गए सेवा कुंज। ये हम यमुना महारानी यहाँ हमारी विराजमान है। जितने भी आप जाएंगे आगे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हर जगह पे नाम लिखा हुआ है, तो उन सब की अलग अलग से लीला है। जैसे ये श्रृंगार घाट हो गया, ये है, फिर इसके आगे जाएंगे तो एक और नाम लिखा होगा। सबकी अलग अलग महिमा है, सबकी अलग अलग पता नहीं लीला है। कभी समय मिलेगा, श्री जी की कृपा हुई, मुझे जैसे इसका ज्ञान प्राप्त होगा, जैसे जैसे मैं लिख लूँगी सब, तो वैसे वैसे मैं आगे के ब्लॉग में भी आप लोगों को बताती रहूँगी। अभी तो मैं भी नई हूँ भक्ति में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये है सबसे पुराना कदम का वृक्ष, चीरघाट के सामने ही है। मान्यता है कि प्रभु हमारे यहीं पे गोपियों का जो वस्त्र है वो चुरा के यहाँ पे ही टांग दिया करते थे। अब पूर्णतः मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन अगली बार मैं जब जाऊँगी तो इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके आपके पास परफेक्ट जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो आपको दूंगी। और फिर यहाँ पे तो मेरा ये फेवरेट है, देखो जब भी मैं आती हूँ केशी घाट ना, झूला तो झूलना बनता है। अब इतने सारे झूला लगाए किस लिए हैं, हम ही लोगों के लिए। इसका पूरा फायदा उठा लेती हूँ मैं। देखो मैं परिक्रमा के साथ है ना पूरा आनंद करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि परिक्रमा का अनुभव आपको होना चाहिए, है ना, अच्छे तरीके से आपको लगना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं बस फट 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 करके चले जाऊँ। मैं वैसा नहीं कर पाती। आपने देखा गोवर्धन परिक्रमा हुआ या वृंदावन हो गया, बरसान हो गया, मैं खूब आनंद के साथ परिक्रमा करती हूँ। मुझे फिर पूरी यादें समेट के मैं एक साथ यहाँ पे लेके आती हूँ। फिर जब कभी नहीं जा पाते बहुत लंबे समय तक, तो ये सब यादें हैं, देख देख के फिर रो भी लेते हैं, श्री जी को याद भी कर लेते हैं, रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं कि फिर कब बुलाएंगी हमें। और ये हम आगे बहुत आगे तक आ गए हैं हम परिक्रमा कर करके। ये तो पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको खूब सारी गौशालाएं मिलेंगी, खूब सारे मंदिर मिलेंगे। आप यहाँ पे अगर साल भर भी रहेंगे ना, तो भी घूमने के लिए आपको स्थान कम पड़ जाएंगे। मतलब स्थान इतने ज़्यादा है कि आपको जितने दिनों के लिए आए वो भी आपको कम ही लगेगा, कि और ज़्यादा दिन होने चाहिए थे। फिर हमने यहाँ पे सोच लिया कि हमारे प्यारे ठाकुर जी के लिए भी कुछ खरीद लेते हैं भोग के लिए। तो हमको अमरूद मिल गया था, तो हमने वो ले लिया। और मैंने देखो ये अपने शॉल के अंदर छुपा दिया है, क्योंकि बंदर है ना, चोरी करके लेके जाते हैं। और इस चीज़ का मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऑलरेडी मेरे पर हमला हो गया था, तो मैं बड़ी डर गई थी इस चीज़ से, तो मैंने छुपा लिया था अंदर। और इसी से थोड़ा सा आगे गई थी तो मुझे माखन भी मिल गया था लाला के लिए, तो मैंने माखन मिश्री भी ले लिया, और वो भी मैंने छुपा दिया था चुपचाप शांति से अंदर, खुद चोरी वोरी ना हो जाए उस डर से। और पैरों की तो हालत बहुत बुरी है, क्योंकि हमने 2-3 दिन लगातार श्री जी की कृपा से परिक्रमा लगाई थी, और ये हमारी परिक्रमा यहाँ पे पूर्ण हुई है श्री जी की कृपा से। हालत तो बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा लगाई थी, फिर बरसाना की लगाई, और फिर वृंदावन की, और पैरों में छाले तो पड़ ही गए थे। फिर हमने कर लिया यहाँ से टेम्पू और निकल गए जाने के लिए। हम मीराबाई के मंदिर जा रहे हैं, बहुत भीड़ थी, आज संडे है ना, तो बहुत रश था। फिर हमने पहले ही ऑटो छोड़ दिया था, पैदल पैदल ही निकल गए थे, और पूछते 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 हम पहुंच गए हमारी मीराबाई के मंदिर। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको हमारी मीराबाई का गिरधर गोपाल की जो विग्रह है उनकी भी दर्शन करने को मिलेगा। मीराबाई यहीं बैठ के अपने गिरधर गोपाल का भजन किया करती थी, जाप किया करती थी, यही कुटेरे वहीं पे यहाँ पे ही वो रहा करती थी। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी श्री जी भी हैं, और हाथ में जो मंजरी दिख रही है वो मीराबाई हैं। तो ये भी एक सौभाग्य प्राप्त हो गया मुझे फाइनली यहाँ पे आने का, वरना सपना ही था, लास्ट टाइम तो आ नहीं पाए थे। जब कृपा होती है ना, तभी हम धीरे धीरे एक एक जगह पे हम जा पाते हैं, वरना तो बहुत कम दिन के लिए आते हैं। मेन मेन जगहों पे लोग दर्शन करते हैं फिर चले जाते हैं। अब भजन कुटीर में ही नहीं आए मीराबाई के, तो समझ लो कितना बड़ा अफसोस की बात हो जाएगी कि अरे मीराबाई के भजन कुटीर नहीं गए, हम देख नहीं पाए कि वो कहाँ रहती हैं। उनके गिरधर गोपाल के भी दर्शन कर लिए उनकी कृपा से, फिर यहाँ पे बैठ के हमने जाप भी किया। मेरा कि अब एक एक स्थान पे जाके कम से कम एक एक दो दो माला तो करनी चाहिए, अनिवार्य है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये देखिए ये जगह है, यहीं पे हमारी मीराबाई रहती थी। फिर वहाँ से हम निकले, हमें ये मिल गई गैया। पता है गैया का नाम क्या है? रेखा। अलग ही लेवल का नाम है। खूब आनंद आया परिक्रमा। अब सीधे जाते हैं हम घर। हालत खराब है मेरी तो, पता नहीं मैंने कितना राउंड की हूँ पता नहीं, और चल रही मैं एक्स्ट्रा। पैर की हालत, जहाँ पायल पहते ना एंकल एंकल, कहाँ
काम नहीं कर रही है। बज रहा है 2:12, बताओ। हम खाने पीने की चीज़ें भी लेके आए थे, उसमें लेट हो गए, और आज संडे था, बहुत रश। देखो भक्त चलो, वृंदावन धाम आना है, फ्राइडे सैटरडे संडे छोड़ के आओ। हाँ, इतनी ट्रैफिक, सैटरडे संडे स्पेशली सांस नहीं ले सकते आप, बस इतना याद कर लो मेरी बात। बाकी मेरी हालत है, मेरे को मसाज करवाना है पैर का। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज है श्री वृंदावन धाम में हमारा लास्ट डे, और आज है 11 फरवरी। तो हम गए थे वृंदावन की परिक्रमा करने श्री जी की कृपा से, और परिक्रमा शायद हमारी डबल हो गई, क्योंकि उसके अलावा भी हम काफ़ी ज़्यादा चले थे, कुछ और जगहों पे हमें दर्शन करने जाना था। उसके अलावा देखिए हम ये पोटली में क्या लाए हमारे दोनों लाला के लिए। हम लोग धाम से अब जा रहे हैं, तो लाला के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो हमें लानी चाहिए ना। तो ये हम पहले तो हम इनके लिए मस्त गर्मा गर्म समोसे लाए हैं, बड़े अच्छे वाले एकदम लोई बाजार से। तो इसको हम पहले साइड में रख देते हैं। चटनी भी लेके आए हैं मस्त। यहाँ का एक फ़ायदा है कि आप यहाँ पे लाला को कुछ भी खिला सकते हो, सब प्रिय है लाला को, क्योंकि ये लाला का घर है और लाला को यहाँ की सारी चीज़ें पसंद है। और ये देखिए मस्त देसी अमरूद, ये हमें मिल रहा था परिक्रमा मार्ग पर मिला था, तो शायद लाला को खाना होगा, तो हमने ये भी ले लिया। और जो सबसे बढ़िया चीज़ हमने ली है वो ये माखन, एकदम फ्रेश माखन मिल रहा था, तो हमने ये भी ले लिया है 250 ग्राम। मेरा ले लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लाला, आज भी खा लेंगे, थोड़ा कल खा लेंगे, बच जाएगा तो मुंबई में भी खा लेंगे, है ना ये। और ये लेके आए हैं नमकीन, फ्रेश अच्छी नमकीन बढ़िया वाली, जो हम लाला को खिला सकते हैं बिना लहसुन प्याज के। ब्रिजवासी जो भैया हैं उनके घर की बनी हुई, और लाला को ब्रिजवासी के जो हाथ से बनी हुई सारी चीज़ें लाला को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो एक ये हम खट्टा मीठा वाला नमकीन लाए हैं, एक ये वाला लेके आए, सब हम आधा आधा किलो लेके आए हैं, और एक ये ज़्यादा तीखा नहीं है, ये नॉर्मल है, और एक ये चार चार नमकीन लेके आए लाला के लिए, और जो माखन लेके आए हैं, और एक और चीज़ लेके आए हैं, सोचो जो बता ही देती हूँ, है ना। कल बताया नहीं था मैंने लाला को, सरप्राइज दिया था कल हम जब माखन मिश्री लेने गए थे, तो एक और मिठाई हम लाला के लिए लेके आए थे बिहारी जी की गली से, और वो मिठाई है ये हरी बोल। ये तो सरप्राइज हो गई, अरे ये तो सरप्राइज हो गया, ये तो दो दो मिठाई है। हाँ, तो ये हम लाला को अभी समोसे के साथ भोग में हम ये लगाने वाले हैं, हरी बोल। एक और चीज लाए हैं कुंज बाबू के लिए, लेकिन हम बाद में बताएंगे। वैसे तो यहाँ पे सब बिना लहसुन प्याज का ही मिलता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, तो बोलते हैं हाँ भोग लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, इसलिए मैं ये सारी चीजें लेके आ जाती हूँ भोग के लिए। मिठाई खाएंगे अभी, ये ये तो ना पड़ेगा, ये इतना बड़ा खाओगे।